फाइव इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जेई का प्रॉब्लम है। देखो कैसे होगा ये प्रॉब्लम। इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, और सपोज करो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करता हूँ, तो प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आके यहाँ पे गिरता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से ये है कि जो आपका जो टॉप पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, वहाँ पे आपको इसका रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बताना है कितना है। ऑप्शन जो भी दिए रहे होंगे, जो भी होंगे, वट एवर, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि रेडियल कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं। कई सारे बच्चों को जिनको रेडियल कॉम्पोनेंट निकालना नहीं आता है, वो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको नहीं आता, आपको पहली बार पता चला कि रेडियल कॉम्पोनेंट क्या होता है। देखो ये ऑरिजन है, ऑरिजन से मिलाई जाने वाली लाइन जो होती है, ये जो हमने मिलाई है ना लाइन, जो कि मेरी लाइन नहीं मिल रही है, ये हमने मिला दी लाइन, अभी भी नहीं मिल रही है पर चलो मिल गई ऑलमोस्ट। ये जो आपका ये जो लाइन होती है इसको हम रेडियल कॉम्पोनेंट बोलते हैं। तो ठीक है, ये हमने अगर अगर सपोज करो कि मैं इस लाइन को आगे की तरफ खींच दूँ, तो ये हमारा रेडियल कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, इसको मैं इस रेडियल कॉम्पोनेंट को ई आर लिख लेता हूँ, रेडियल कॉम्पोनेंट। और सपोज करो कि ऑब्वियसली ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते। और यहाँ पे जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, तो रेडियल कॉम्पोनेंट कैसे निकालना है अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है बच्चों, मैं अगर आपको क्वेश्चन में आपको कोई एंगल दे दूँ, ये वाला एंगल सपोज, ये प्रोजेक्टाइल का एंगल मैं आपको गिवन दे रहा हूँ 45 डिग्री का क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको रेडियल कॉम्पोनेंट को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो हमारा थीटा है वो 45 डिग्री का हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें ये जो डिस्टेंस है ये आपकी आधी रेंज है R/2, और ये आपकी मैक्सिमम हाइट है H। तो मुझे बेसिकली जो एंगल चाहिए होगा इसमें, वो चाहिए होगा ये वाला एंगल, ये फाई एंगल चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पहले तो टेन फाई निकालूंगा। टेन फाई होगा मैक्सिमम हाइट बाय आधी आधी रेंज, हाफ रेंज, मतलब कि 2H/R। हाइट का फॉर्मूला हमारा होता है U² sin² θ/2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा U² sin² θ/g। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको काट लेते हैं, एक तो U² से U² कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आपको मिल रहा है sin² θ, और जी से जी तो पहले कट गया था, और नीचे sin² θ बचा उसको लिखेंगे 2 sin θ cos θ। सारे बच्चों को पता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा कट जाएगा, टेन थीटा बाय टू बचेगा यहाँ पे। टेन थीटा 45 डिग्री का है और 45 डिग्री वन होता है, तो ये आपका आ गया हाफ, तो टेन फाई की वैल्यू आ गई हाफ। अब आपका जो ऊपर डायग्राम है उसमें जो फाई है वो आपकी जो आपकी रेड वाली लाइन जो आपकी मिल रही है, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा बच्चों को तो समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइन है ये आपका ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप बच्चों को नजर आ गया होगा। अब मेरे को रेडियल कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करना है, मैं अपने प्रॉब्लम पर वापस आता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके एक परपेंडिकुलर यहाँ पे कॉम्पोनेंट ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि अगर ये वाला एंगल फाई है, इसको डायग्राम को नीचे बनाना चाहिए ना बढ़िया से ताकि हम ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो इस डायग्राम को नीचे मैंने बना दिया, जल्दी से देख लो, एक और डायग्राम बना दिया है, डायग्राम बनाने में 1 मिनट लगता है। ये जो हमारा कॉम्पोनेंट था, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो है ये रेडियल कॉम्पोनेंट है, ग्रेविटी नीचे जा रही है। ठीक है, और ये कॉम्पोनेंट हमें कैलकुलेट करना था, ये वाला एंगल हमारा फाई है। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था बच्चों कि अगर ये ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 - 5 होगा, और यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये वाला एंगल मेरा फाई होगा, और सब बच्चों को पता है तो ये हमारा G cos φ होगा, और ये वाला मेरा G sin φ होगा। तो इसका मतलब जो मेरा रेडियल कॉम्पोनेंट होगा, रेडियल कॉम्पोनेंट वो होगा G sin φ। अब प्रॉब्लम यह है कि sin φ की वैल्यू नहीं है मेरे पास में, तो आ जाएगी ना sin φ की वैल्यू, आपको पता ही है सारे बच्चों को कि टेन फाई दे रखा है, ये फाई है। टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, तो आपका ये √5 हुआ ना, इसका मतलब पाइथागोरस के हिसाब से। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मेरा आंसर होगा G/√5। तो जो रेडियल कॉम्पोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो होगा G/√5। ये अच्छा क्वेश्चन है जेई एडवांस के लिए, क्वेश्चन को अच्छा सा अच्छा प्रॉब्लम है, नोट करो इसको। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देख रहे हैं फिजिक्स बीस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय।